दोस्तों पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारी स्रोते जी आया पंजाब च इन्हां क्लासां दे विद्यार्थियों की अद्धी फीस माफ़ करन बारे हो गया वड्डा ऐलान। ताज़ा वड्डी खबर नूं शुरू करन तों पहलां जिन्होंने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लैण ते वीडियो नूं वध तों वध लाइक एंड शेयर भी कर देना। करोना दे कारण बच्चों की सुरक्षा नूं देखते हुए जिथे सरकार वालों विद्यक अदार नूं पिछले साल मार्च तों बंद कर दिता गया सी उत्थे स्कूलों वालों बच्चों तों वसूलण जाण वालियां भारी फीसां नूं लैके मापिआं ते स्कूल दे विचकार तकरार जारी है। हुण पंजाब विच इन्हां क्लासां दे विद्यार्थियों की अद्धी फीस माफ बारे हुण ऐलान हो गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों लई एक नवां ऐलान किया गया जिसनों सुनदे ही मापिआं ते बच्चों विच खुशी की लहर देखी जा रही है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों राहत भरी खबर सामने आई है जिथे 9वीं ते 10वीं क्लास के विद्यार्थियों लई दित्ती गई है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों इस बारे जानकारी दिंदे दस्सिया गया है कि इन्हां दोवां क्लासां दे बच्चों की मानसिक अते सलाना फीस अद्धी माफ़ की जाएगी। इस संबंधी सिक्ख्या सकत्तर सरप्रीत सिंह गिल वालों सोमवार को सारे सरकारी स्कूलों में इस बारे आदेश जारी कर दिए गए हैं। साल 2020 करोना के चलते हुए 9वीं तो 12वीं तक की जमात के सारे विद्यार्थियों की फीस सरकारी स्कूलों में माफ कर दी गई है जिस कारण सरकार 900 करोड़ रुपए का नुकसान होएगा। इस तो इलावा उस समय विभाग वालों सालाना अते महीने की फीस लैण लई भी रोक लगा दी है। सरकार वालों जिहे बच्चों नूं फीस तो राहत दी जाती है जिन्हां दे परिवार दे सालाना आमदनी 1 लाख तो घट होवे विधवा दे बच्चों दिव्यांग स्टूडेंट्स ओबीसी लड़की अते एक्स सिरमेंस दे बच्चों आदि उत्थे प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को भारी नुकसान का सामना करना पै रहा है जिथे प्राइवेट स्कूलों वालों मुड़ तो सारिया फीसा वसूलिया जा रही ने। खबर में लास्ट तक देखने लिए।